देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ amarujala.com पर। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के ही दोनों राजनीतिक जमीन पर निकले हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है मतदाताओं तक पहुंचे, और हम हैं सागर जिले में, देवरी विधानसभा है वो विधानसभा जो कि अब तक जितना मध्य प्रदेश हमने घूमा, देखा, टहला, समझा, उनमें से उन विधानसभाओं में से एक है जहां पर हर एक वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है। कांग्रेस ने हर्ष यादव जी को उम्मीदवार बनाया है, पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आप कर चुके हैं, किन मुद्दों को, किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिएगा, ये 18 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की कुशासन वाली सरकार के खिलाफ चुनाव है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का भविष्य का चुनाव है। वो मध्य प्रदेश के युवा जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में, बहकावे में आकर अपना भविष्य खत्म कर चुके हैं, आज हमारे क्षेत्र में मध्य प्रदेश की बात हो चाहे देवरी क्षेत्र की बात हो, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरह से अखंड रूप से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अनुसूचित जनजाति जनजातियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बदलाव की बयार मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, और आने वाले समय में ये बयार जो है बेहद आंधी और तूफान बन के निकलेगी। और जब ईवीएम के रिजल्ट निकलेंगे 3 दिसंबर को, तो परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। ग्रामीण विधानसभा है खासतौर पर ये, जैसे हम बैठे भी हैं, बड़े एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र की अपनी दिक्कतें, अपने समस्याएं हैं और अपने समीकरण भी है। कई लोगों ने कहा कि अलग अलग वर्ग यहाँ पर बहुत प्रभावी है, उन वर्गों को खासतौर पर देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खूब नेता दावे कर रहे हैं कि हर वर्ग के लिए काम किया, जमीन पर हम मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? देखिएगा, आपने तो पूरा उत्तर प्रदेश भी घूमा है, मध्य प्रदेश में भी संपर्क है, बुंदेलखंड वो धरा है जिसमें सबसे पहले यदि किसी ने काम करने का संकल्प लिया था तो वो हमारे नेता राहुल गांधी हैं, जिन्होंने बुंदेलखंड पैकेज में बहुत बड़ा पैकेज दिया था। और आपके संज्ञान में होगा, चूंकि आप मीडिया के साथी हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार ये बुंदेलखंड पैकेज में हुआ, यदि वो निश्चित रूप से वो राशि का सही सदुपयोग होता, तो जैसे अभी एक महिला ने हमसे कहा पानी की समस्या है, बहुत सारे लोगों ने अन्य समस्याएं भी बताई, इस समस्याओं का निजात हो गई होती। कब? जब वो पैकेज आया था तब। माँ किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ तक कि जो डंपर के नाम पर स्कूटर का नंबर लगाया गया, जिस तरह से कंट्रोल बंडिंग के नाम पर, तालाब के नाम पर, बांध के नाम पर मातलीपा पोती की गई, कई बार हम लोगों ने सड़क से लेकर विधानसभा में बात उठाई, मगर कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं हुई। मेरा एक आपके माध्यम से कहना है, बुंदेलखंड के बारे में यदि किसी ने सोचने की यदि कोशिश की है और विचार किया है, तो मात्र कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है और हमारे नेता हैं, और निश्चित रूप से मात्र हमारे प्रदेश को और बुंदेलखंड को बरगलाने का काम यदि किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जी, अब जब सागर घूम रहा था, मैं अलग अलग विधानसभा में इस जिले की जा रहा था, लोगों ने कहा कि भाई सागर वो जिला है जहां से विधानसभा में सिर्फ विधायक नहीं पहुंचता है, जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचता है, जो पहुंचता है वो मंत्री होकर पहुंचता है। जिम्मेदारी आपके पास भी रही या बगल की विधानसभा की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी रही, क्या लगता है कि सागर में और पूरे, क्योंकि आपके पास वैसा प्रभार रहा, अपनी विधानसभा तो लड़नी है, आसपास की चीजों को भी देखना है, क्या आपको लगता है कि जिले में क्या होने वाला है? देखिए, मैंने कहा भी आपको, निश्चित रूप से बदलाव की बयार है, और निश्चित रूप से हमारे यहाँ 8 में से अधिकतर सीटें कांग्रेस जीतेगी, और ये बात मतवेश की में इतिहास बनेगा, बुंदेलखंड के साथ साथ, दंदसी के साथ साथ, चंबल के क्षेत्र में, चाहे महाकौशल की बात हो, चाहे मालवा का अंचल हो, चारों तरफ कांग्रेस प्रत्याशी जीतने की स्थिति में है। परिणाम जब निकलेंगे तब हम और आप ये बात जरूर करेंगे, निश्चित रूप से परिणाम बेहद अनुकूल हमारे आने वाले हैं। जनता ये बात समझ चुकी है, जिस तरह से सर्वेक्षण रिपोर्ट आई और खासतौर से सर्वे रिपोर्टें सरकारी एजेंसियों की, प्राइवेट एजेंसियों की आई, पार्टियों की एजेंसियां आई विगत 6 महीने से, और जिस तरह से जाबड़तोड़ घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आकर कभी हेलीकॉप्टर से कभी प्लेन लैंड करके की हैं, लोगों में चर्चा का विषय है कि 19 वर्ष तक ये यादें क्यों नहीं आई, नारी सम्मान की याद पहले क्यों नहीं आई, हमारे कर्मचारी भाइयों की पहले याद क्यों नहीं आई, आशा कार्यकर्ताओं की, हमारे कोटवार भाइयों की बात पहले याद क्यों नहीं आई, अतिथि शिक्षकों की, अतिथि विद्वानों की याद पहले क्यों नहीं आई? मतलब कहीं ना कहीं वो घोषणाएं, जैसे उन्होंने मांग पत्र की हमारी राशि 5,000 रुपए की जाए, मुख्यमंत्री जी कह रहे मैं 25,000 करता हूँ, खजाना खाली है, ये आप भी संज्ञान में, आपके भी संज्ञान में, हर व्यक्ति यहाँ जो खड़ा है
यहाँ तक कि जो गर्भ में है वो 50,000 रूपये के कर्ज में है, हर व्यक्ति कर्ज में है। उसके बाद भी घोषणा का पिटारा लगातार की जा रहा है, मात्र एक प्रलोभन के माध्यम से, एक आश्वासन के माध्यम से एन कैन प्रकरण हम सरकार बना लें, एन कैन प्रकरण हम जिला बनाने की घोषणा भी करते हैं, तहसील बनाने की बात भी करते हैं, चुनाव की अधिसूचना के 2 दिन पहले तक जिले बनाने की घोषणा की गई। मतलब कहीं ना कहीं पराकाष्ठा हो गई, झूठ और फरेब की पराकाष्ठा हो गई। ये देश के इतिहास में मध्यप्रदेश में पहला नजीर है जहां पर इतनी सारी घोषणाएं, इतनी सारे वादे किए गए हैं। आखिरी सवाल, मुझे कई लोगों ने कहा कि आप सिर्फ अपनी विधानसभा तक नहीं, आसपास की विधानसभाओं पे भी सामाजिक समीकरणों पर खूब अच्छा प्रभाव डालते हैं, और बगल में ही एक नाम फिर आ जाता है भार्गव साहब का कि बहुत मजबूत हैं। बगल की विधानसभाओं में भी आप अपने प्रत्याशियों की मदद कर रहे हैं, और ऐसे चेहरे जो सालों से जीतते आ रहे हैं, ऐसे किलों को, ऐसे दुर्ग को, उनको आप कैसे तोड़ेंगे? देखिएगा, जिस हिसाब से हमारी पार्टी ने लोगों को कैंडिडेट बनाया, उम्मीदवार बनाया है, आपने भी खुद ने महसूस किया होगा, 50% महिलाओं को हम लोगों ने हमारे जिले में उम्मीदवार बनाया है। वो महिलाएं कहीं ना कहीं गृहणियां भी हैं, वो इंजीनियर भी हैं, कहीं ना कहीं शोध की छात्रा भी रही हैं, और कहीं कहीं ना कहीं वो लड़की बच्चियां भी हैं जिन्होंने बेहद संघर्ष सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ किया है। मतलब उनके पास वो दुर्गावती भी हैं, अमंतिकाबाई भी हैं, और सभी देवियों का रूप के रूप में काम कर रही हैं। और ये जनता, जैसे मतलब हमारे क्षेत्र में घूम रहे होंगे, जनता मौन है, मत जब मुखर होती है तो बहुत जम के बोलती है, तो जनता तो तैयार बैठी है। ये निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है, और ये जनता मैंने नहीं बनवाई, जनता ने एक कुशासन देखा है, भ्रष्टाचार देखा है, कहीं ना कहीं वो शासन की योजना जो कहीं ना कहीं आम आदमी को मिलना चाहिए, शासन के अंतिम व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो व्यक्ति को नहीं मिलती है। यदि गरीब रेखा में नाम जुड़ा जाता है तो हर से ज्यादा लोगों के गरीब रेखा में नाम होते हैं, और जो सबसे गरीब व्यक्ति है जिसके पास झोपड़ी में रहने के लिए जगह नहीं है, जिसके पास एक इंच खेती के लिए काम नहीं, जगह नहीं है, उनका नाम गरीब रेखा में नहीं होता है। वो STSC वर्ग के लोग जिनको उनको खाद्यान्न मिलना चाहिए, 2-2, 3-3 महीने नहीं मिल पाता है, बजाय खाद्यान्न वितरण करने वाले वो विक्रेता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सुखदार लोगों के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं वो जनता बेहद नाराज है, आक्रोशित है, खासतौर से किसान। जो हमारे क्षेत्र की हालत ये है, चाहे ओला पड़े चाहे पाला पड़े, कभी बीमा की राशि तरीके से नहीं मिलती है, कभी मुआवजे की राशि नहीं मिल पाती, भेदभाव किया जाता है। क्यों? हर से ज्यादा यहाँ के विधायक है, मतलब जनता से भेदभाव। वो जनता यहाँ से सांसद जिताती है, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री है, मतलब उसके बावजूद भी जनता से ऐसा भेदभाव मध्यप्रदेश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको काफी प्रचार करना है, आप कर रहे थे, खूब फोन बज रहे थे, समझ आता है कि व्यस्तता है, लेकिन एक बात, मुद्दों को गिनाया है, मुद्दों की बात कही, और ये भी कहा कि बात सिर्फ देवरी विधानसभा की नहीं, अगर सागर जिले की भी कर ली जाए तो कांग्रेस ने जो 50% महिला उम्मीदवार उतारे हैं उनका और उनकी शक्ति का, जिन प्रतीकों का नाम लिया है, उनके जरिए विजय हासिल होगी। जनता तय करेगी कि उसको क्या करना है, उनके परिणाम सबसे पहले दिखाने की कोशिश हम करेंगे। हर्ष यादव कांग्रेस उम्मीदवार हमारे साथ, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।